नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांकेर जिला किसान युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धरना प्रदर्शन। खबर कांकेर जिले से है। यहां पर जिले में भारतीय जनता पार्टी के किसान युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय मंडावी के द्वारा विशेष धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि किसानों को वर्मी कंपोस्ट खाद को लेकर कांग्रेस के तानाशाही शासन छत्तीसगढ़ में किसानों से छल किया जा रहा है, जिसमें ब्याज 5.20 लिया जा रहा है। साथ ही किसानों से वादा खिलाफी किया जा रहा है। विद्युत का बिल किसानों से अधिक राशि लिए जाने के संबंध में जो नया बस स्टैंड कांकेर से लेकर कलेक्टर कार्यालय को घेराव करने के लिए सभी भाजपा नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी एवं जिला अध्यक्ष सतीश लाठिया और साथ ही सभी अन्य पदाधिकारी शामिल थे। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस कांकेर से प्रदीप कुमार विश्वास की रिपोर्ट। पूरे छत्तीसगढ़ के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ में भूपेश की कांग्रेस सरकार है, जिस मुद्दे को लेकर आई थी कि और जिसके कारण वो सरकार में बनी, पूरे मुद्दे किसानों का रहा। लेकिन हम आज जो वर्मी कंपोस्ट, जो गुणवत्ता विहीन वर्मी का, जो किसानों को जबरदस्ती खरीदने के लिए सोसाइटी के माध्यम से भूपेश सरकार जबरदस्ती करे, उसके विरोध में आज कांकेर कलेक्टर का घेराव करना था और साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था किसान मोर्चा के माध्यम से। और पूरे इस कार्यक्रम में पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग इसमें एकजुट होकर जो किसान विरोधी भूपेश सरकार है उसके खिलाफ में आज धरना प्रदर्शन और कलेक्टर घेराव का कार्यक्रम था, जिसके तहत मैं जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा विजय मंडावी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। देखिए, हम सब लोग किसान हैं और जहां तक पत्रकार आप लोग भी किसान ही होंगे, तो किसानों के साथ जो कांग्रेस की सरकार, भूपेश की सरकार जो छलावा की है, इतना गंदा काम, इतना नीच काम, जिस किसान को छत्तीसगढ़ का पालनकर्ता कहा गया, ऐसे किसानों को नकली खाद देने का, वर्मी कंपोस्ट की खाद जो गौठान में बनने का दावा किया और किसानों को मजबूर करते हैं कि मैं अगर सोसाइटी में खाद लिखवाने जाता हूं तो मैं वर्मी कंपोस्ट लूंगा तो ही वो खाद मेरे को दिया जाएगा, नथा नहीं दिया जाएगा। ये जोर जबरदस्ती किसानों के साथ नहीं चलेगी। अगर आपको देना है तो असली खाद किसानों को देना होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का किसान असली किसान है, असली अनाज पैदा करके देता है। अपने आप को किसान का बेटा कहने वाला, ढोंग रचने वाला भूपेश बघेल को मैं कहना चाहता हूं, अगर असली किसान का औलाद अगर होगा तो किसानों के जमीन को गिरदावली के नाम पे काटना बंद करे और किसानों को असली खाद दे और किसानों को कम कीमत पे खाद दे, तब तो मैं मानूंगा कि भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का किसान का बेटा है। इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस कलेक्ट्रेट का घिराव किया और हमने भूपेश के द्वारा बनाए नकली वर्मी कंपोस्ट की खाद इस बैरिकेड के ऊपर फेंका है। अगर बैरिकेड हम तोड़ते तो कलेक्ट्रेट के ऑफिस में नकली खाद डाल के आते। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। ऐसा ही पूरे छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टर ऑफिस को किसानों के माध्यम से, किसान मोर्चा के माध्यम से हम सब लोग घेरने का काम किया है। ये कांग्रेस का कहना है कि भाजपा चार